हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बोनस शेयर मिल रहे हैं भैया मार्केट में, बोनस शेयर, वो भी एक शेयर पे एक शेयर का बोनस मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट डेट आ चुकी है, लास्ट डेट, और हर कोई देखिए इंडिया के अंदर लास्ट डेट का बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, तो वो लास्ट डेट आ चुकी है। अगर आपको बोनस चाहिए तो मौका मत छोड़ना, कल का दिन यानी कि 4 दिसंबर 2019 काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है बोनस की। चलिए देखते हैं कौन सा बोनस है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, सब के बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जी हाँ, IT सेक्टर की कंपनीज, TCS, इन्फोसिस का हर किसी ने नाम सुना होता है, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज भी एक बड़ी कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और रिजल्ट के साथ साथ, बढ़िया रिजल्ट के साथ साथ मैं कहूँगा, बोनस की इसने अनाउंसमेंट करी थी, अभी का प्राइस 1125 है, लेकिन बोनस के अनाउंसमेंट के बाद जबरदस्त जंप आ चुका था। अब आप देखिए खुद शेयर का अर्निंग पर शेयर कितना बढ़िया, पी रेशियो कितना बढ़िया है, PG रेशियो कितना बढ़िया। अगर इन तीन चीज़ों को आप देखो, अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो, PG रेशियो, साथ में प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ को, और कंपेयर करो TCS और इन्फोसिस से, तो आपको कहीं बेहतर लगेगा। इस कंपनी की खास बात यह है कि साल में 4 बार आपको ये डिविडेंड देती है, थोड़ा थोड़ा 4 बार डिविडेंड जरूर देती है साल में, लेकिन इस बार तो इसने बोनस की अनाउंसमेंट कर दी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बोनस के अनाउंसमेंट, जरा देखिए रिजल्ट कैसा रहा, फिर आगे देखेंगे। सितंबर 2019 में देखिए 17,000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू इसने दिखाया। आप देखिए इस बार पिछले कुछ क्वार्टर्स के साथ कंपेयर करें तो जबरदस्त रेवेन्यू, साथ में 2700 करोड़ का प्रॉफिट, भैया वाह भाई वाह मैं कहूंगा। लास्ट ईयर सितंबर में जो प्रॉफिट 2500 करोड़ था, इस बार बढ़ के 2700 करोड़ का दिखा दिया। यही तो चीज़ भाई, ये अच्छी पॉजिटिविटी इसमें देखने को मिली। अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो 10,000 करोड़ के आसपास का साल में प्रॉफिट कमा रही है ये, पिछले 12 महीनों के डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन, नंबर्स अच्छे हैं, काम अच्छा। टेक्निकल पर चलेंगे, टेक्निकल से पहले हम देखते हैं एक नज़र इस स्टॉक के बोनस को, जिस बोनस की हम बात कर रहे हैं उस बोनस पर नज़र बनाइए और उस बोनस को देखिए और समझिए। जो बोनस है वो ये है, देखिए आप, तो HCL ने 23 अक्टूबर को अपना बोनस अनाउंस किया था, इस साल का बोनस है ये, 2015 में भी इसने बोनस दिया था, लेकिन 23 अक्टूबर को बोनस देने के बाद आप शेयर में देखिए अप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुका है। कई बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ बोनस की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डेट देखिए, रिकॉर्ड डेट 7 दिसंबर की है, 1:1 का बोनस है। 1:1 के बोनस का मतलब होता है हर एक शेयर पे एक शेयर, आपको अगर एक शेयर है आपके पास तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, 10 है तो 10 बोनस शेयर मिलेंगे। और इसकी डेट्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक बोनस से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन से रिलेटेड इशू है वो आपका क्लियर हो जाएगा। डेट्स का लिंक दिया हुआ वीडियो का, उसको देखिए समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए आप, एक्स बोनस डेट 5 दिसंबर 2019 की है, 5 दिसंबर 2019 का मतलब कि आपका जो स्टॉक है वो प्राइस है वो हाफ हो जाएगा 5 दिसंबर 2019 को। तो अगर आपको बोनस चाहिए तो शेयर आपको, आपके पास बस एक दिन है, वो भी 4 दिसंबर का दिन बचा हुआ है बस, आज 3 दिसंबर हो चुकी है, मात्र 4 दिसंबर का दिन बचा हुआ है, बस एक दिन, क्योंकि 5 दिसंबर को एक्स बोनस डेट है, उस दिन ये शेयर हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब कि अगर इसका प्राइस अभी हम मान के चलते हैं कि 1150 के, 1130 के आसपास मान के चलते हैं, तो हाफ हो जाएगा ये शेयर। और 1130 का अगर आप हाफ करें तो आप क्लियरली देखिए कितना होता है, 1100 का हाफ होता है आपका 550, 550 और 30 का हाफ 15, यानी कि आपका जो प्राइस बैठता है इसका 565 के आसपास बैठता है भैया 1130 का हाफ। क्लियरली आप देख लीजिए कि इसका प्राइस इतना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर जो है वो डबल हो जाएंगे, प्राइस हाफ हो जाएगा। तो वो लोग जो इस शेयर को कम प्राइस में खरीदना चाहते हैं, देखिए आपको लगेगा जिस दिन इसका प्राइस हाफ होगा ना, उस दिन ऐसा लगेगा कि शेयर बहुत नीचे आ चुका है, प्राइस बहुत नीचे आ चुका है, लेकिन इस चीज को समझ लेना और जो एडजस्टेड चार्ट होगा उस टाइम का उसको देखना, तो आपको ये पीक पे लग रहा होगा प्राइस, क्योंकि अभी कल की डेट में इसमें अच्छा खासा उछाल आएगा। एक्स बोनस डेट से पहले वाले दिन में अच्छी खासी हरकत देखने को मिलती है शेयर में, तो कल का डेट काफी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो कल की डेट में एक्टिव हो जाएंगे, कल शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे, खूब सारी ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी कल, यानी कि 4 दिसंबर 2019 की डेट में, एक्स बोनस डेट से
पहले जो हलचल देखने को मिलती है वो कल आपको देखने को मिलेगी HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर में। और साथ के साथ 1:1 का बोनस है, कोई छोटा बोनस नहीं, ये इसका थर्ड बोनस है। इससे पहले 2006 में एक बोनस दिया था, उससे बाद पहले देखे 2015 में बोनस दिया था। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल में, टेक्निकल काफी कुछ बता देता है। यहाँ पे मैंने जो बात करी है कि रिकॉर्ड डेट 7 दिसंबर की, और उस दिन जो है वो सैटरडे पड़ रहा है, यानी कि उस दिन हिसाब किताब लगाएंगे ये कि आपके नाम पे शेयर है कि नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो एक्स बोनस डेट है वो 5 दिसंबर की है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्स बोनस डेट देखना, एक्स बोनस डेट जो 5 दिसंबर यानी कि आपका कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है 4 दिसंबर का। अब चलिए टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं, टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं तो शेयर में देखिए अप डाउन चलती रहती है। ये डेली टाइम फ्रेम है, पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ स्टॉक बढ़िया मूवमेंट दे रहा है, धीरे धीरे करके एक ट्रेंड लाइन को, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज से जो नीचे है उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी जब इसका रिजल्ट आया था 23 अक्टूबर को, तो शेयर देखिए 1050 के लेवल से सीधे जंप करके ऑलरेडी 1160 के लेवल के हाई को टच कर चुका है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल पीक टाइम इसमें है, और कल की डेट में अगर इसमें उछाल आता है तो ज्यादा नहीं 1150-60 के लेवल तक का उछाल इसमें आ सकता है कल की डेट में। अब आप सोचिए अगर आप कल की डेट में शेयर को बाय करते हैं तो परसों की डेट में स्टॉक इसका हाफ हो जाएगा। मान लीजिए कि 1170 का इसका जो पीक है इसको टच कर लिया इसने कल, तो हाफ होके फिर कितना होना है जी, हाफ होके 585 रुपए का शेयर हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट बात है। फिर जब एडजस्टेड चार्ट इसका बनेगा तो वो पीक पे दिख रहा होगा आपको, वो पॉइंट जो है वो काफी पीक पे दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे जब स्टॉक जो हाफ हो जाएगा उसके बाद भी खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो पीक जो एक नए पीक की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जो इसकी ट्रेंड लाइन है, जो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है इसके आसपास शेयर काफी इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल होता है। मैं कहूंगा कि चलिए अब बोनस की जो अप्रिसिएशन थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, और बोनस की अप्रिसिएशन ज्यादा से ज्यादा कल और देखने को मिलेगी। जैसा हम लोग कहते हैं कि बोनस देता है शेयर का प्राइस हाफ हो जाता है तो क्या फायदा होता है, तो भाई बोनस देना और शेयर की प्राइस हाफ होने का जो ये फायदा होता है ना, वो होता है बोनस के अनाउंसमेंट डेट से। जब बोनस अनाउंस होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 23 अक्टूबर को बोनस अनाउंस हुआ था, और उससे पहले का जो शेयर था वो 1050 के लेवल पे था, और वहां से ऑलरेडी शेयर ने कुछ ही दिन में 1170 का हाई टच किया, थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया। और कल की डेट में जो एक्स बोनस डेट से पहले की डेट है फिर से ये जंप करने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं ये इस रेंज तक जाने की कोशिश करेगा। तो यही जो फायदा होता है ना, ये पॉइंट, इतना गैप जो आपने देखने को मिल रहा है 120 रुपये पर शेयर का जो फायदा, ये 10-15% का जो फायदा होता है, यही एक बोनस का मेन फायदा होता है अनाउंसमेंट डेट से लेके अब तक। लेकिन दूसरा एक फायदा और मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे फायदा होने के चांसेस होते हैं लेकिन ये नहीं है कि गारंटीड फायदा होता है। अब जब एक्स बोनस डेट जिस दिन आएगी ना, उस दिन इसका प्राइस जब हाफ होता है, उस दिन कई बार जो अच्छे शेयर्स को लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस हाफ हो चुका है हम खरीदते हैं, तो उस दिन बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन वो जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्स बोनस डेट के दिन ऑलरेडी इतने पीक पे जा चुका है, तो उस दिन अगर लोग खरीदेंगे तो वो अगर एडजस्टेड चार्ट के हिसाब से वो टॉप का प्राइस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देने वाली बात है जो आपको समझनी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने ये सेम चीज इन्फोसिस ने जब लास्ट ईयर बोनस दिया था वहां पे महसूस की होगी कि बोनस डेट के बाद जो प्राइस हाफ हो चुका था, लेकिन वो प्राइस बहुत टॉप का प्राइस था एडजस्टेड चार्ट पे, और उसके बाद शेयर में बड़ी गिरावट भी आई, डेफिनेटली गिरावट आई, और लोगों ने जिस बोनस के चक्कर में उसको खरीदा था, अगर उन्होंने पहले खरीद लिया होता जैसे कि HCL में मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। बाद में आप देख लीजिए बोनस का क्या कैसे फायदा होता है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, खरीदने की प्राइसिंग की बात करूँ, जो असली प्राइस मुझे दिखता है शेयर का, जो बाइंग जोन में दिखता है, वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं दिखता है, यानी कि 1000 के आसपास, 1050 से 1000 के लेवल पे। अगर मैं इसके एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से देखूंगा, क्योंकि इसको हाफ कर लीजिए, 1000 से लेके 1050, यानी कि 500 से लेके 525 के आसपास की जो रेंज है वो बहुत बढ़िया, 500 से 525 की रेंज। अगर दूसरी बात, बोनस में जब प्राइस गिरेगा तो वहां पर अगर गिरावट आती है, किसी तरीके से कोई पैनिक कंडीशन आती है और शेयर गिर के 500 के लेवल पे आता है, 500-525 के लेवल पे आता है, तो वो एक बहुत बढ़िया मौका आपके लिए होगा। जरूर ध्यान दें इसको, HCL टेक्नोलॉजी, ये हमने टेक्निकल चार्ट की बात कर रही है यहाँ पे। और इसके अलावा आप देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये स्टॉक साल में 4 बार डिविडेंड दिया करता है, आप देख सकते हो कि हर बार 2-2 रुपये का डिविडेंड जरूर देता है ये HCL टेक्नोलॉजी। बोनस है बहुत बड़ा, बड़े बड़े ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि HCL
होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड मेजर प्रोमोटर है, वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट मेजर प्रोमोटर है। चलिए ये अपडेट थी एससीएल, एक्स बोनस डेट 5 तारीख की है, कल की लास्ट डेट है बोनस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।